नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। आज मेरे पीछे का जो दृश्य है वो ब्रह्मांड के किसी क्रोमा में उतनी ताकत नहीं जो इतना प्यारा और इतना सुंदर और इतना आकर्षक बैकग्राउंड दे सके। आपको बता दूं, इस वक्त जैसे कि मैं मौजूद हूं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली मौजूद हूं कोलकाता में, और ये है मेरे पीछे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में सुंदर है। इस वक्त रात का माहौल है और रात में यहाँ पर नाव चलती हैं जो कि अब बंद कर दी गई है। नाव की फीस नाम मात्र 6 रुपये में आप पूरा पार कर लीजिए। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हवा बह रही है वो सियासी हवा बह रही है। इस वक्त पश्चिम बंगाल हर किसी की हिट लिस्ट में है। इस समय पश्चिम बंगाल की बात हर चाय की दुकान, हर खाली मकान और हर जगह की जा रही है। बस नहीं चल रहा कि यहाँ पर भाजपा या तृणमूल कांग्रेस माने TMC ममता बनर्जी वाली पार्टी कल सुबह उठकर यहाँ पर सरकार बना ले, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की नज़र है कि यहाँ पर किस तरीके से अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ यहाँ पर सरकार बनाई जाए। ऐसे में हम लोग यहाँ पर रात में पहुँचे, कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये भैया मिल गए हैं तो इनसे पूछ ही लेते हैं। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में काफ़ी समय से हम लोग मौजूद हैं, चुनाव चल रहा है, ये बताइए चुनाव पर यहाँ पर यहाँ का जो नागरिक है वो क्या सोच कर वोट देता है? क्या बोले इस विषय में हम आपको? ये बताइए, यहाँ का जो आप नागरिक हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है? आप कब रुके हैं यहाँ आप लोग? 1 महीने से, बताइए। नहीं नहीं, यहाँ पे कब रुके हैं? अभी 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 बिल्कुल अभी अभी आए से, सामने वाले गेट से। हाँ 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 हाँ, अभी आप निकलेंगे कैसे? गेट बंद हो गया? नहीं नहीं, खुला है गेट। बताइए, देखिए खुला है। आप यहीं के रहने वाले हैं? तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और यहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं कि गेट भी बंद हो चुका है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि गेट कहाँ बंद हुआ है। लेकिन उससे पहले जो मैं बात बता रहा था आपको कि यहाँ पर जिस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके का जो भी माहौल है, उस पर हम लोग बात करने आए, उस पर चर्चा की। लेकिन यहाँ पर बीते दिनों से हमने देखा कि कन्वेंशन के दौरान माहौल जो था वो ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में देखिए पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब पूरा जो खेल है वो नैरेटिव पर आकर अटक चुका है। कि नैरेटिव दरअसल क्या है कि अगर यहाँ पर मोदी और उनकी पार्टी BJP अगर यहाँ पर ये चीज़ लोगों के मन में लाने में सफल हो पाते हैं कि यहाँ पर उनकी सरकार आने वाली है, मतलब भाजपा की सरकार आने वाली है, तो यकीनन BJP को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर TMC ये यकीन दिलाने में कामयाब रहती है कि नहीं हम रिपीट करने वाले हैं, तो यकीनन उनकी सरकार वापस आ सकती है। तो सारा जो खेल है वो नैरेटिव का है, और इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि जो समर्थक हैं वो तो मुखर होकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आम जनमानस है वो मुखर होकर सामने नहीं आ रहा, और वो मुखर होकर नहीं बता पा रहा है कि दरअसल यहाँ पर क्या होने वाला है। ऐसे में हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें देखिए, हावड़ा ब्रिज कितना सुंदर, सबसे शांत जगह इस वक्त जो है वो यही है। पश्चिम बंगाल में कहीं कुछ शांति है तो यही है। दिन भर की चिल्लम चिल्ली के बाद, दिन भर जो यहाँ पर लगातार रैलियाँ, रोड शो और तमाम तरीके की राजनीतिक जो उठा पटक और चहल पहल चलती रहती है, उसके बीच में हावड़ा ब्रिज शांति देता है। हावड़ा ब्रिज बताता है कि यहाँ का माहौल कितना शांत है। ऐसे में हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बताया गया कि जो समय था, जो नाव जिस समय आती हैं यहाँ से, जो आवागमन होता है, वो समय अब खत्म हो चुका है, वो समय अब बंद हो चुका है। लेकिन ऐसे में निकलने की कोशिश करेंगे, निकलते वक्त हम देखते हैं कि सामने जो चैनल है वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ का जो टाइम होता है एक निर्धारित समय है, जो कि बंद होने का भी एक निर्धारित समय होता है, और उससे पहले भी हम तमाम कोशिशें करते हैं कि यहाँ पर आएँ, लोगों को दिखाने की कोशिश करें। लेकिन लगातार जिस तरीके से हम लोग सुबह से शाम तक रैलियाँ कवर करते हैं, रोड शोज़ कवर करते हैं, आज जैसे कि JP नड्डा की भी रैली थी, वो बोल रहे थे कि 200 के पार इस बार यहाँ पर सरकार जाने वाली है भाजपा की, जो 2 मई के बाद वो कह रहे हैं कि दीदी की विदाई होगी और यहाँ पर BJP गवर्नमेंट आएगी। तो अभी ये जो हावड़ा का जो नाव वाला एरिया था, जहाँ पर लोग नाव में आते हैं, नाव से सफ़र करते हैं, उसके बाहर आते ही शोर शुरू। उसके बाहर आते ही पता लगता है कि सामने जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दूर से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल का आदमी यहाँ पर उनमें घुलने मिलने आ जाता है। पश्चिम बंगाल के बीच में एक मिलावट हो जाती है जब बाहर का आदमी यहाँ पर आता है। कुछ लोग हैं यहाँ से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अब यहाँ का आदमी है भैया। यहीं का हैं? ये बताइए, आप यहीं के हैं तो ये बताइए, यहाँ पर चुनाव चल रहा है, पता है? हाँ, चुनाव चल रहा है।
चुनाव में किन मुद्दों पर यहाँ पर आप हैं, जैसे कि एक नागरिक हैं, आम आदमी यहाँ पर किन मुद्दों पर वोट देता है या सिर्फ शक्ल देखकर वोट देता है कि ममता हैं, दूसरी तरफ दादा हैं, एक तरफ दीदी हैं, तो किसको वोट देखकर आप वोट देते हैं, मुद्दों को या शक्ल देखकर? शक्ल देखकर नहीं है, ये पे जो काम करता है उसको देख के हम लोग वोट देता है। ठीक है, काम करता है तो उसको देख कर वोट करते हैं। कौन काम करवा रहा है यहाँ पे? काम तो दीदी करता है। अब दीदी ही सत्ता में रही है तो दीदी नहीं हाजिर सी बात है, हरगिज सी बात है कि दीदी नहीं काम करवाया होगा। यहाँ पर बीजेपी तो रही नहीं है, तो बीजेपी आ जाएगी तो उससे क्या आपको लगता है कि बीजेपी आएगा तो हम लोग का बहुत अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। आपका बुरा होगा? मेरा भी नहीं, हर आदमी मध्यवित्त का पूरा बुरा ही होगा। अभी जो जिनिस का जो दाम बढ़ गया ना, कोई बात नहीं कर रहा है, तेल का दाम 50 रुपया बढ़ गया, हम लोग मध्यवित्त लोग कैसे खा रहा है उसको मालूम नहीं है, दादा को कैसे चलेगा बोलिए ना। अच्छा ये बताइए, जैसे कि बाहर के लोग सोचते होंगे इस चीज़ को, आपको कैसे पता कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप कैसे पता? जो बाजार आपको जो हाल है मध्यवित्त का बहुत खराब हाल चल रहा है, बहुत खराब। अच्छा, केंद्र की तरफ देख कर आप बता रहे हैं? हाँ, केंद्र की तरफ बहुत हर चल रहा है, हर चीज का जिनिस का दाम बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि ममता बनर्जी का जो शासन है उसके अंदर यहाँ पर सहूलियतें दी जा रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, सहूलियतें। अच्छा ठीक है, और भी एक शख्स है उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ मत बताइए, सीधे पॉइंट पर आकर ये बताइए कि इलेक्शन चल रहे हैं तो कौन आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है और क्यों? देखिए, हमारे ख्याल से तो TMC बेहतर है, बेहतर काम किया, लेकिन मोदी जी का जो शासन है केंद्र में, 7 साल का काम किया, 7 साल में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो जो वादा किया सब झूठा किया, कोई पूरा नहीं काम किया। जैसे 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, GST लाया, नोटबंदी किया, बहुत तमाम काला बाजारी काम किया, और गैस का दाम जो है 200 रुपया बढ़ा दिया, और जो सब्सिडी है वो भी बंद कर दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हावड़ा के रहने वाले हैं, नंदी बागान। नाम क्या आपका? श्रीनाथ प्रसाद गुप्ता। देखिए ये बताइए, ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देश में बोलिए कि अगर हिंदुत्व की तरफ जाएं तो राम मंदिर बना दिया और धारा 370 हटा दी, तो उन मुद्दों पर वोट नहीं देते यहाँ पर? 370 धारा कौन बड़ा काम किया है सर, वो तो के कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसमें कौन बड़ा काम किया, तो कोई भी प्रधानमंत्री कर सकता है। वो तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के रात में जो हिंदू है वो पीड़ित है, हम आएंगे तो हम उसको साथ देंगे उनका। देखिए, ममता बनर्जी से बेहतर इधर कोई नहीं है हमारे ख्याल से, अगर कोई सच्चा मन बोले ना तो भाजपा इधर आएगा तो कोई अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि 60 बरस का कार्यकाल देखा हमने, कहा कि 2014 का याद कीजिए, 2014 में बोला कि अच्छे दिन आया, कहाँ अच्छा दिन आया सर, कौन सा अच्छा दिन उसको गिनाए? वो तो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या किया है कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को शरण दे दिया और उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया, उनके जरिए वोट बैंक पाते। नहीं नहीं नहीं, ये तो जो NRC का काम ये ममता जी खुद करेगी, अपने स्तर से करने वाली है, ये हमको जहाँ तक मालूम है, लेकिन हम ज़्यादा बंगाल में नहीं रहे हैं, उतना हमको राजनीति के बारे में नहीं मालूम, जितना जानता हूँ उतना आपको सामने रख दिया। जी बिल्कुल ठीक है। एक बात और अहम है कि देखिए, समर्थकों से तो हम बात करते हैं, रैलियों में समर्थक लगातार मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं, ये बताइए समर्थक के अलावा कहा जा रहा है कि एक ऐसा शांत आदमी है जो चुपचाप जाकर कमल छाप कर देगा, ऐसा लगता है? देखिए इधर तो ऐसा है, कितने ऐसा देखा कि कमल छाप बोल रहे हैं, और जिस दिन चुनाव हो रहा है तो TMC में मार देते, TMC में भी अपोजिट है, कमल में चले जाते हैं, ये तो दल बदलू का राजनीति आ गया है, अगर टिकट नहीं दिया तो भाजपा में गया, भाजपा वाला टिकट नहीं दिया तो TMC गया, ऐसे लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ समझ आती है कि लोग जो हैं खुलकर बोल लेते हैं, जो बोलते हैं वो तो खुलकर ही बोल लेते हैं, जो नहीं बोलते वो कुछ भी नहीं बोल पाते। इन सब के बीच जो सबसे अहम चीज़ है वो हो जाती है कि यहाँ पर कांग्रेस और TMC क्या कर रही है। कांग्रेस और TMC जो है वो कहीं ना कहीं साथ में नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट है वो बिल्कुल उस हालत में है जैसे चूसे हुए आम की हालत हो, कि आम को चूस लिया गया, 34 साल शासन किया और आज यहाँ पर लेफ्ट बिल्कुल नदारद, लेफ्ट की झंडे भी नज़र नहीं आते। अगर हम यहाँ पर जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, निकलते हैं, तो लेफ्ट की दरअसल यहाँ पर अब कोई बात ही नहीं करता। वामपंथ तो मालूम लगता है कि जैसे उंगलियों में गिनी जाने वाली यहाँ पर हस्तियाँ बची होंगी और यहाँ पर उतने ही लोग बचे होंगे जो उनको समर्थन देते हों, लेकिन यहाँ की जो फाइट है वो बहुत टक्कर वाली होने वाली है, क्योंकि एक धड़ा जो है वो भक्त है BJP का और एक धड़ा जो है वो भक्त है TMC यानी ममता बनर्जी का। तो यहाँ पर भक्त बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आता
वो हर व्यक्ति है जो घर में सो रहा है, लेकिन क्या करेगा, वोट जाकर किसे दे देगा, ये बड़ा अहम है। देखिए यहाँ पर लोगों के मन में आखिरी पल में भी, जैसे हम वोटर की बात करते हैं, वोटर तो आखिरी पल में भी जाकर पलट जाता है। वोटर जब वोटिंग करने जाता है तो आखिरी पल में भी उसके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है कि वो आखिरी वक्त में भी अपना फैसला पलट देता है। लेकिन एक चीज़ अहम है कि हम यहाँ पर हावड़ा ब्रिज क्यों आए। हम हावड़ा ब्रिज इसलिए आए क्योंकि इलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेताओं की रैलियाँ कवर की जाएँ, नेताओं की बाइटें ली जाएँ, नेताओं के भाषण लिए जाएँ। ये एक मौका देता है एक नागरिक को नागरिक से मिलने का। तो ऐसे में मैं जैसे कि उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर आकर मैंने लोगों से बात की, वेस्ट बंगाल के नागरिक के तौर पर क्या लोग सोचते हैं उन पर बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है, उनके मुद्दों में क्या है। नाम क्या है भैया आपका? हम तो काम में कम चिंता हूँ जी। नाम भैया बताइए अपना। जयदेव घोष। जयदेव घोष, ये बताइए यहाँ पर जो इलेक्शन चल रहे हैं इस बार तो दिल्ली तक पूरी चर्चा हो रही है इलेक्शंस की, पहले तो ऐसा नहीं होता था वेस्ट बंगाल के लिए। इस बार फाइट में जिस पार्टी की 3 सीटें रही हों वो पार्टी आज यहाँ आकर कह रही है कि इस वाले विधानसभा चुनाव में 200 प्लस, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं एकदम झूठ बात है, 200 प्लस कैसे होगा वो लोग का। एक तो लेडीज़ को हटाने के लिए प्रधानमंत्री 16 बार आ रहा है और 100 कैबिनेट मंत्री आ रहा है। चलिए आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आपसे बैठ कर खुलकर बात करते हैं, आइए। तो यहाँ पर ये बताइए, बैठिए, ये बताइए, नहीं थोड़ी बात कर, बैठ जाइए, ये बताइए कि सीधी सीधी बात करता हूँ, जैसे कि बीजेपी ने जो हिंदुत्व के जो प्रमुख मुद्दे कहे जाते हैं, बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी, उसको लेकर आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों पर भी आप वोट दे सकते हैं? बीजेपी को वोट देना है किस लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। मैंने ये पूछा, आप बैठ जाइए या तो मैं खड़ा हो जाऊँ, ठीक है चलिए बताइए। मैंने ये पूछा कि यहाँ पर बीजेपी की हवा चल रही है या टीएमसी की हवा चल रही है, एक पत्रकार के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो काम करेगा हम उसी को वोट दें। बिल्कुल, अब ये बताइए कि कौन काम कर रहा है आपकी? ममता दीदी काम किया है। ममता दीदी ने काम किया है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार ही नहीं रही तो काम कब किया करेगी वो, आप कैसे आंक सकते हैं फिर उस चीज़? बीजेपी की सरकार नहीं है मतलब? मतलब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं रही है तो फिर वो कैसे आपने उसके काम को एनालाइज किया? हमको कन्याश्री मिला है, लड़की को साइकिल मिला है, लड़का को साइकिल मिला है, और क्या? अच्छा, योजनाओं से लाभ हुआ आपको ममता बनर्जी की, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पर बीजेपी तो कह रही है कि परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। अब जिसका जो मन है, हम वोटर है, वोट देंगे, हो गया कहानी खत्म। चलिए ठीक है, आप वोटर हैं, वोट देंगे। ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि हिंदू जो है वो ममता बनर्जी के शासन में बड़ा शोषित है, बड़ा प्रताड़ित है, हम आएंगे तो उसको साथ देंगे। वो झूठ है, वो झूठ है, वो हिंदू मुस्लिम एक तो लड़ाई लगाना चाहता है, लड़ाई लगाना चाहता है। यह सब हम लोग आराम से है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक संग में, ये इसका अनुष्ठान में आता है, उसका अनुष्ठान में जाता हूँ, तो सब एक ही है। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है? ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि हर कोई, वो चीज़ें सही नहीं होती जो हम लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, वो चीज़ें हमेशा सही नहीं होती जो तस्वीरें बताती हैं। कभी कभी सच जो होता है वो तस्वीरों के पीछे छिपा होता है, उसी सच को टटोल लें, उसी सच को निकाल लें। हम लोग यहाँ आए थे, जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि कोई भी एडिटेड चीज़ जो होती है वो हालातों को बेहालात कर देती है, मतलब पलट देती है। तो इसलिए जो ज़मीन पर है वो बिल्कुल सीधे आपकी स्क्रीन पर, इसमें कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं, और आपको बिल्कुल सच दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। आप अपने घर पर बैठकर स्क्रीन में देख पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, आप सीधे देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की दरअसल हालात क्या हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ पर, ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ पर हावड़ा का जो स्टेशन है वो मौजूद है, और राइट साइड में जो है यहाँ पर नदी है, और उसके पीछे आप सामने देखेंगे तो हावड़ा ब्रिज है। तो ये जो माहौल है, उस माहौल पर लगातार जो कवरेज है वो जारी है, लगातार जो चर्चाएं हैं वो भी जारी हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि दिन भर की चिल्लम चिल्ली, दिन भर की रोड शो कवर करना, दिन भर आपकी रैलीज कवर करना, दिन भर प्रोग्राम्स कवर करना, कैंपेनिंग करना, उस बीच दर्शकों को भी चाहिए कि थोड़ी शांति मिले, हमको भी चाहिए कि थोड़ी शांति मिले, और सबको चाहिए कि असली सच भी मिल सके, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिरी स्क्रीन तक हर सच पहुंच सके। तो कैमरामैन आर्यन कपूर के साथ मैं काविंद्र चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, कोलकाता से।